नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। हेल्प ट्यूबर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया का जो पासबुक होता है और मिनी स्टेटमेंट भी आप अपने मोबाइल में ही देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको BOI मोबाइल नामक जो एप्लीकेशन होता है, बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो ऐप है, उसमें मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करना होगा। जिन लोगों का रजिस्टर होगा वो तो आसानी से अपना पासबुक देख पाएंगे। इस वीडियो में यही बताऊँगा रजिस्टर करना। अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है वीडियो का, वहाँ से आप देख करके रजिस्टर कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपका OTP आएगा, और उसके बाद आपका ATM कार्ड होना चाहिए, यानी कि डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि आपको BOI मोबाइल यहां पर खोल लेना होगा। यहां पर देख सकते हैं कि मेरा BOI मोबाइल यहां पर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, तो मैं इसको खोलता हूं। खोलने के बाद यहां पर आपको लॉगिन करना होगा BOI मोबाइल में, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तब। तो बिना रजिस्टर किए आप यहां से नहीं खोल सकते, पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहां पर मेरा रजिस्टर किया हुआ है पहले से, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा BOI मोबाइल खुल चुका है। यहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर के जरिए। यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यूजर ID के जरिए और कस्टमर ID के जरिए। कस्टमर ID आपके पासबुक में भी मिल जाएगा, और यूजर ID वो होता है जो आपने रजिस्टर करते समय यूजर ID बनाया था। तो यहाँ पर मैं अपने कस्टमर ID के जरिए, और यहाँ पर लॉगिन पिन तो आपको डालना ही पड़ेगा, जो कि आपने रजिस्टर करते समय 6 अंकों का लॉगिन पिन बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना कस्टमर ID और अपना लॉगिन पिन डाल दिया है, और लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर आप अपना लॉगिन पिन भूल गए हैं तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि फॉरगॉट लॉगिन पिन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप अपना वेरीफाई करेंगे, सारा डिटेल जो मांगेगा, उसके बाद आप नया फिर से अपना लॉगिन पिन बना पाएंगे। तो मुझे याद है, तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग है वो खुल जाएगा, जो फर्स्ट पेज होगा, होम पेज जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि खुल चुका है। यहाँ से आप माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना अकाउंट से रिलेटेड सारे यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सारा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ऑपरेटिव में सेविंग अकाउंट दिखा रहा है। और यहाँ पर लोन अकाउंट्स अगर आपके होंगे तो लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लोन अकाउंट आपका दिख जाएगा, और डिपॉजिट अकाउंट भी दिख जाएगा। डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जो होता है फिक्स डिपॉजिट, वो वाला। तो यहाँ पर मैं ऑपरेटिव के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा सेविंग अकाउंट है, और कोने में जो आई बटन है, यहाँ पर आप जो क्लिक करेंगे आई बटन के ऊपर, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका टोटल डिटेल ही दिखा देगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो, कस्टमर आईडी दिखा देगा, नॉमिनी में नाम दिखा देगा, किसका आपने नॉमिनी में नाम डाला हुआ है और नॉमिनी से क्या रिलेशन है। उसके बाद IFSC दिखा देगा और MMID दिखा देगा। MMID के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिससे पैसे भेज सकते हैं बिना अकाउंट नंबर दिए। तो यहां से आप सारा डिटेल देख पाएंगे। और जहां पर बैलेंस दिखा रहा है 1062 रुपये मेरे यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो मिनी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 लाइन का मिनी स्टेटमेंट सामने आ चुका है, और जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था वो देख सकते हैं कि ऊपर दिखा रहा है 1 रुपया मेरा यहाँ से कटा हुआ है, और उससे पहले 300 रुपये यहाँ पर आए हुए थे और 300 रुपये पहले कटे हुए थे, इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ चलिए अब होम पेज के ऊपर चलते हैं, और दूसरे नंबर पर दिखा रहा है आपको M पासबुक। यहाँ से मैं आपको पासबुक का पूरा डिटेल दिखाऊंगा, और उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है। यहाँ से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं IMPS के जरिए, NEFT के जरिए और RTGS के भी जरिए, ठीक है। बिल पेमेंट कर सकते हैं बिजली वगैरह का, और बेनिफिशियरी को मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं, और यहां से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और यहां पर जो गवर्नमेंट माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम यहां पर दिखा रहा है, जैसे कि 12 रुपये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए आपको मैं पासबुक दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर M पासबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट चुनने को आएगा। यहाँ पर जहाँ पर बैंक दिखा रहा है बैलेंस दिखा रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। आप 3 तरीके से अपना यहाँ पर जो पासबुक है वो देख सकते हैं, डेट वाइज, ट्रांजेक्शन वाइज और डेज वाइज। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लू यहाँ पर कलर है वो डेट के ऊपर है, यानी कि डेट वाइज आप देख सकते हैं। तो फिल्टर कर सकते हैं फ्रॉम डेट और टू डेट, यानी कि आप जिस तारीख से और जिस तारीख तक देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं 11 तारीख से और आज तक, यानी कि 14 तारीख अगर देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ।
नहीं तो यहाँ पर फिर दिया गया है पहले से लास्ट मंथ यानी कि लास्ट एक मंथ का पिछला का, लास्ट थ्री मंथ यानी कि पिछले लगातार तीन मंथ का, और लास्ट सिक्स मंथ, लास्ट वन ईयर। ठीक है, आप अपने अनुसार इसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन आता है पैसे के जरिए, कितने रुपए से कितने रुपए तक आप फिल्टर करके यहाँ पर पासबुक देखना चाहते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप आता है यानी कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रेडिट करना चाहते हैं, कि जो क्रेडिट यानी कि खाते में आया हुआ है वो पैसा देखना चाहते हैं, कि सिर्फ खाते से पैसा कटा हुआ है वो देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डेबिट के ऊपर कर देता हूँ, जो मेरे अकाउंट से पैसे कटे हुए हैं सिर्फ वो ही देखना है, तो ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ डेबिट के ऊपर। और यहाँ पर जो अमाउंट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कितने अमाउंट से कितने अमाउंट, चलिए मैं यहाँ पर 500 रुपये से और यहाँ पर 1000 रुपये तक के डाल देता हूँ, डाल दिया। और यहाँ पर लास्ट मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट स्टेटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सिर्फ 500 और 1000 के ही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुआ है 1000 रुपये का। आप चाहें तो इसका PDF जनरेट कर सकते हैं या फिर ईमेल पर इसे भेज सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में ईमेल आईडी जुड़ा हुआ होगा तब जाएगा। अगर आप ईमेल आईडी यहाँ से डायरेक्ट जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ब्रांच से ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं, ऑनलाइन नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट यहाँ पर अपने आप आ चुका है 20 ट्रांजेक्शन्स लगातार, आपको जो आपके अकाउंट में 20 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी आप पैसों के जरिए छाट सकते हैं, यानी मान लीजिए आपको सिर्फ 10 रुपये से 100 रुपये के बीच का ट्रांजेक्शन देखना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं फ्रॉम अमाउंट और टू अमाउंट के बीच। अगर आपको ये नहीं छाटना है, अगर आपको फिल्टर नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं। और आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो टोटल डिटेल दिखा देगा, जैसे कि मैं इसको वैसा ही छोड़ देता हूँ, 20 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मैं इसको 30 कर देता हूँ, 30 कर दिया। और यहाँ पर गेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैं अमाउंट के जरिए यहाँ पर फिल्टर नहीं किया, और यहाँ पर 30 जो ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अप्रैल और यहाँ पर 24 अप्रैल, इस तरह से आपको टोटल जो लाइन होंगे वो 30 होंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जेनरेट PDF के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका ईमेल आईडी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं ईमेल स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और इसका जो पासवर्ड भी होता है वो आपके जो मोबाइल नंबर का फर्स्ट 4 डिजिट होगा और लास्ट का 4 डिजिट होगा, इसे आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना, ये तो हो गया ट्रांजैक्शन वाइज। अगर आप और लास्ट में यहाँ पर है डेज, यहाँ पर देख सकते हैं डेज, और कितने दिनों का लास्ट में आपको कितने दिनों का चाहिए। मान लीजिए मुझे 50 दिनों का यहाँ पर ट्रांजैक्शंस देखना है, लास्ट 50 दिनों का, तो यहाँ पर मैं गेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो क्लिक किया यहाँ पर और लास्ट 50 दिनों में मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर डेज वाइज। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर पूरा नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कोना में मोर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल दिखा देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसका PDF जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका PDF जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड फॉर PDF इज फर्स्ट 4 डिजिट फॉलोड बाई लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्लिक ओके टू डाउनलोड PDF। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके मोबाइल नंबर का जो फर्स्ट 4 डिजिट होगा वो मोबाइल नंबर पासवर्ड होगा और लास्ट 4 डिजिट होगा वो पासवर्ड आपका होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा PDF डाउनलोड होने को तैयार है, और यहाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो ईमेल है वो आ चुका है कुछ इस तरह से HO* संदेश करके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटमेंट यहाँ पर है और मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है और पासवर्ड मांगने लगा है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का फर्स्ट 4 डिजिट लेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट लेगा पासवर्ड के रूप में। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ।
यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा PDF डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि एकदम पासबुक में एकदम जस्ट वैसे ही यहाँ पर मेरा PDF देख सकते हैं आप कि पूरा डेट वाइज पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरह से आप इसे किसी को शेयर कर सकते हैं या फिर अपने अनुसार अपने सुविधा के अनुसार आप इसे किसी को भेज सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए जहाँ पर देख सकते हैं ऊपर कोने में 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा कि किस तरह से आप अपना जो पासबुक है वो देख पाएंगे। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।